हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए हम जानते हैं छोटी दीपावली क्यों मनाया जाता है। तो मान्यता के अनुसार इसका नाम नरक चौदस या नरक चतुर्दशी या नरका पूजा भी है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया था। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। समाज में इन कन्याओं को समान दिन लाने के लिए सत्यभामा के सहयोग से श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया था। मान्यता के मुताबिक 16,000 कन्याओं को बंधन मुक्त कराने और नरकासुर का वध करने के उपलक्ष्य में ही नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान की विशेष परंपरा शुरू हुई। इस दिन को रूप चतुर्दशी भी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन एक मान्यता और प्रचलित है कि अगर इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु के देवता यमराज का पूजा करता है उसको जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। रूप चौदस पे यमराज के लिए दीप भी जलाए जाते हैं। रूप चौदस का महत्व इस दिन सुबह स्नान करके यमराज की पूजा और शाम के समय दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, इस कारण ये त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार छोटी दिवाली की रात में घरों में बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाया जाता है और उस दीपक को घर से बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है। और ये दीपक सरसों का तेल से बना होता है और इसमें अन्न के कुछ दाने होते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में ये सब त्यौहारों का कितना महत्व है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।